जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल मुहिबुल हॉक। तो आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज का मेन टॉपिक है एनसीसी। एनसीसी कैसे ज्वाइन होता है, हाउ टू ज्वाइन इन एनसीसी। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका काम है फॉर्म भरना, एनसीसी का फॉर्म भरना। अब एनसीसी फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, उस इंस्टीट्यूट का आप एनसीसी का फॉर्म लेके आइए। उसके बाद फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद आपको सीनियर लोग बोलेगा कि आप एक हफ्ता या नहीं तो 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो आप उसी टाइम पे आ जाइएगा। तो मान लीजिए आपका टाइम दे दिएगा 8 बजे एक हफ्ते बाद, तो आप एक हफ्ते बाद 8 बजे आ गए, आपका रिपोर्टिंग हो गया। रिपोर्टिंग होने के बाद आता है फिजिकल टेस्ट। एनसीसी में सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के साथ और एक है पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको देगा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। फिजिकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपका ग्रुप वाइज होगा रनिंग। ख़त्म होने के बाद आपका होगा भीम। और एक बात बता दूँ, रनिंग होगा 1600 मीटर। 1600 मीटर से ऊपर भी हो सकता है कहीं के इंस्टीट्यूट में, तो मैं जितना दूर जानता हूँ तो उतने हैं 1600 मीटर होते हैं ज़्यादातर से। तो 1600 मीटर रनिंग होने के बाद आपको भीम मरने देगा। भीम 10 मरना पड़ेगा। अगर 10 मर लिया तो आप एक्सेलेंट हो गए। अगर 6 मर लिया तो आप एनसीसी के लिए क्वालिफाई हो गए। तो अगर आप ज़्यादातर से 10 मरने के लिए कोशिश करें। उसके बाद आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। जब आपका फिजिकल टेस्ट आपका कंप्लीट होगा तो आपको सर और सीनियर लोग बोलेगा कि आप कल नहीं तो कल आ जाइए, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के लिए क्या होता है, रिटर्न टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप समझ रहे हो कि रिटर्न टेस्ट है तो ये तो बहुत हार्ड होगा। नहीं, ये हार्ड नहीं होगा, ये इजी होगा। क्योंकि एनसीसी फौज ही है, आधा फौज है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होगा एनसीसी के लिए। क्योंकि आप स्टूडेंट है, आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, तो एनसीसी रिटर्न एग्ज़ाम में आपका ज़्यादातर से एनसीसी के बारे में ही आएगा। आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, हाउ, जैसे कि व्हाट इज़ एनसीसी, एनसीसी क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसका मतलब है एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो अंग्रेज़ी में आएगा क्वेश्चन। आप लिख सकते हो हिंदी में, लेकिन वो रोमन हिंदी होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि रोमन हिंदी क्या है, मैं तो आज पहली बार नाम सुना हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, रोमन हिंदी आप जो मैसेज करते हैं, एक दूसरे से मैसेज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, के एच ए एन ए खाना, इसी तरफ इसी को रोमन हिंदी बोलते हैं। आप लिख तो रहे हो अंग्रेज़ी में, लेकिन बोल रहे हो क्या हिंदी में, तो इसी तरह आपको लिखना है। और एक बात है, एनसीसी में ये आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा ये, कि आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आप एनसीसी ज्वाइन करके क्या करोगे। इसके लिए यही आपको क्वेश्चन एक आएगा ज़रूर, ए 5 नहीं तो 10 मार्क का आएगा ही आएगा। अगर आप क्वालिफाई कर लिया रिटर्न टेस्ट, तो आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लगा, शायद सीनियर लोग ऐसे कि आप कैसे हो, आप बंदा कैसे हो, आप क्वालिफाई हो तो बंदा कैसे हो, ये सब देखने के लिए आपको क्या करेगा, पर्सनल इंटरव्यू लेगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका एनसीसी ज्वाइन हो गया। तो आपका एनसीसी ज्वाइन हो गया। एनसीसी में होता है, जो स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करते हैं उसको उन लोगों को क्या बोलते हैं, जेडी और जेडब्ल्यू, और एसडी एंड एसडब्ल्यू भी होता है। एसडी एंड एसडब्ल्यू कहाँ होता है, वो जो कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं उनको बोलेगा एसडी एंड एसडब्ल्यू। आप बोलोगे कि एसडी एसडब्ल्यू का मतलब क्या है, एसडी एसडब्ल्यू का मतलब है सीनियर डिवीज़न एंड सीनियर विंग। एसडी का मतलब है सीनियर डिवीज़न और एसडब्ल्यू का मतलब है सीनियर विंग। और जेडी का मतलब है जेडी जूनियर डिवीज़न एंड जेडब्ल्यू का मतलब होता है जूनियर विंग। तो यही है आज का मेन टॉपिक। आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ एनसीसी के बारे में, मैं कैसे जानता हूँ एनसीसी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, मेरा भी एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैं नेवल विंग में हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज इसी बात पे ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू।